पीएस लेवल कॉम्पिटिशन करेंगे, जिसमें सर का जो आइडिया है सर का कि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को नर्चर करने के लिए हम उनको थाने लेवल पे कॉम्पिटिशन कराएंगे। उसके बाद हर थाने से एक टीम दार्जिलिंग जाएंगे और इसका वेन्यू वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो वेन्यू है वो हमने रखा है ये ऐतिहासिक जीडीएस ग्राउंड, जहाँ पर दार्जिलिंग में वॉलीबॉल की शुरुआत हुई ऐसा हमें जानने को मिला। और आज बहुत खुशी हो रही है देखकर कि यहाँ पर हमारे साथ दार्जिलिंग के जो वॉलीबॉल के दिग्गज थे पिछले दिनों के, वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास एक एग्जीबिशन मैच भी है इस टूर्नामेंट को लॉन्च करने के लिए, दार्जिलिंग वेटरन्स वर्सेस दार्जिलिंग पुलिस। तो और इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि वॉलीबॉल को भी हमने देखा कि रिमोट लोकेशंस पे गांव वगैरह में जब हम जाते हैं तो सब वॉलीबॉल खेलते थे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इस गेम का क्रेज, इस गेम का महत्व, इस गेम के प्रति एक प्यार जरूर है। तो जैसे एडिशनल एसपी ने यहाँ पे बोला कि एक ग्राउंड पार्किंग के लिए यूज होता था, वी हैव मेड इट अगेन वॉलीबॉल ग्राउंड, पुराने टाइम से इसको यूज हो रहा था, तो अगेन वी हैव रिनोवेटेड इट एंड इट हैज बीन रिजुविनेटेड। तो ये जो खेल उत्सव हमारा है ये चलता जा रहा है, आपने देखा कि मैराथन सक्सेसफुली हो गया, करीबन 8,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट हो गए। उसके बाद में फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में 230 के करीबन टीम्स पार्टिसिपेट हुई फुटबॉल में, उसमें मेल 200 और फीमेल 30 टीम्स पार्टिसिपेट हुई, उसमें पुलिस टीम्स भी थी। इस बार मैंने बोला कि यार पुलिस को मत रखो, पुलिस तो सब समय जीत जाएगी, तो लेट द चांस शुड गेट द कॉमन पीपल आल्सो, जीतने का फर्स्ट होने का सेकंड होने का। तो इसमें वॉलीबॉल में खाली पब्लिक पुलिस स्टेशन लेवल ही टीम्स पार्टिसिपेट होगी और टफ कॉम्पिटिशन एट द पीएस लेवल, उसके बाद में यहाँ सेमीफाइनल्स एंड फिर फाइनल्स एज टोल्ड बाय द एडिशनल। तो आपको मैंने आने के बाद ही विक्रम को बोला कि अरे तुम्हें ये लग नहीं रहा है कुछ हिस्टोरिकल ग्राउंड ऐसे नहीं लग रहा है, जैसे कि इटाली में जो ये होता है रेसलिंग, इटाली में एक ग्राउंड है पुराना वैसे ही लग रहा है, जहाँ पर डिफेंस 400 ऊंचा है, लोग देख रहे हैं, तो इट जस्ट फील्स लाइक दैट मच। तो आई थिंक ये टूर्नामेंट भी ऐसे ही सब लोग एंजॉय करेंगे और विल कंटिन्यू विथ एज आई सेड कि बैडमिंटन है, उसके बाद लेट्स सी अगर और बॉक्सिंग होगा या कराटे कॉम्पिटिशन या उसके बाद में और भी कुछ खेल होंगे, स्पोर्ट्स होंगे वो हम लोग और इसको करते रहेंगे। इसके साथ में कल्चरल प्रोग्राम जो है, जैसे आपने देखा कि मैराथन में बहुत बड़ा हो गया था, उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड में भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ऐसे ही कल्चरल प्रोग्राम, सो लेट्स एंजॉय एज वेल एज हैव स्वेटिंग आल्सो। तो आई विल थैंक द सीनियर फुटबॉलर्स हियर, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो विक्रम है यहाँ पे हमेशा साथ रहा है लॉजिस्टिक और सब प्रोवाइड करने में, और मेरे कोशिश है जो कि हमेशा इंटरेस्ट लेके इसमें काम करते आ रहे हैं, इनके पार्टिसिपेशन इनके टोटल डेडिकेशन के बिना ये कॉम्पिटिशन अधूरा है, इन्होंने एफर्ट्स दिए इसलिए 230 टीम फुटबॉल के पार्टिसिपेट हुए, लॉट ऑफ लोकल लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए। इसी तरह से तेंजिंग नोर्गे नाम का एक प्रशिक्षण जो चल रहा है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी, उसमें 4,000 लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, 4,000 यंग चिल्ड्रन यंग लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, सो दैट वी कैन हैव गाइडेंस टू देम अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन मिलिट्री पुलिस एंड ऑल अदर पब्लिक सेक्टर इन, वो भी प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह से वी आर गिविंग अवर एफर्ट्स टू invited by the police, so we came here just to remember the past we used to play in this ground. So I thank
sir, that this opportunity is being given to us once more, and I hope we will succeed in this. And I thank everyone for participating. Thank you. Jai Hind. आज यो टूर्नामेंट भलिबल को देखता दार्जिलिंग सदर को दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनीस्ट्रेशन ने जो भलिबल अर्गनाइज यहाँ कराइदिने हम हमीर दार्जिलिंग वास जो एक्स प्लेयर धेरै धेरै मुनी मुनी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो एसपी साहबलाई एडिशनल एसपी साहबलाई जसले यो कार्यलाई अगाडि बढाइदिनु भयो र हामीहरू त्यो दौरमा जब 1986 जब हामी यहाँ भलिबल खेल्थ्यौँ यो जग्गा यति बिना फेमस थियो कि कहाँ कहाँबाट कमान बस्ती चारैतिरबाट आएर हेर्नु उत्सुक गर्थ्यो यहाँ भलिबल र बादमा त्यसरी यो भलिबल टुर्नामेन्टमा यहाँ भलिबल हुँदा सबै आएर यहाँ रङ्गमञ्चमा बसेर कति इन्जोय गर्थ्यौँ हामीले खेल्ने प्लेयरले पनि गर्थ्यौँ स्पेक्टेटर्सले पनि गर्थ्यौँ र आज मलाई साह्रै गर्व भयो र खुसी भयो कि आज यो झन्डै 20-25 वर्ष बादमा यो फेरि रमाइलो समय आएको जस्तो लाग्यो र म यहाँका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस डिपार्टमेन्टलाई जति धन्यवाद दिँदा पनि कम्ती हुन्छ होला सायद किनकि उहाँहरूले जुन गरिदिनु भयो हाम्रो आउने जेनेरेसनले फेरि एउटा लेसन लिन सक्नुहुन्छ कि यहाँ भलिबल भएर गेम्सपट्टि ध्यान दिए भने हाम्रो नानीहरू यताउति नजाओस् भनेर जुन प्रोग्राम आज हुँदैछ त्यसको लागि हामीहरू साह्रै धन्यवाद छु किनकि अहिलेको जेनेरेसनको नानीहरूले भलिबल होस् या फुटबल होस् या ब्याडमिन्टन होस् न कुनै पनि चिजमा चासो दिँदैन किनकि उनीहरूलाई मोबाइल छ भने भइहाल्यो उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको स्कोप पनि दिने छैन कोही यहाँ पहिला टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो भलिबलको जस्तो कि लिग हुन्थ्यो पेमाडोमा हुन्थ्यो के भन्छ अरू पनि ठुल्ठुलो दिग्गज दिग्गज टिमहरू आउँथ्यो यहाँ कलकत्ताबाट आउँथ्यो टिमहरू हाम्रो समयमा कलकत्ताबाट राजस्थान बोकारो के भन्छ यो तपाईँको राम्रो राम्रो टिम आउँथ्यो नेपालबाट जौला खेल आउँथ्यो जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टबाट आउँथ्यो टिमहरू एक साइड टिम आएर यहाँ भलिबलको म्याच हुन्थ्यो र त्यो समय यस्तो थियो कि हामीलाई गर्व लाग्थ्यो कि हामीहरू पनि एउटा दार्जिलिङमा जन्मेर दार्जिलिङको एउटा प्लेयर भएर यहाँ उ गऱ्यौँ र त्यो गर्वलाई फेरि यहाँ फर्काइदिनु भएकोमा म आफ्नो हृदयबाट पुलिस डिपार्टमेन्टलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु र यो म चाहन्छु कि आउने जेनेरेसनले पनि यो चिजलाई सञ्चालित गरेर जो नानीहरू बिग्रेर जाँदैछ जो नानीहरू अर्कोतिर जाँदैछ त्यो नानीहरू फेरि फर्केर आओस् म उनीहरूलाई इन्भाइट गर्छु तपाईँहरू आउनुहोस् खेल्नुहोस् समयलाई खेलमा नै बिताउनुहोस् ताकि तपाईँको फिजिकल फिटनेसहरू पनि रहन्छ तपाईँ मानसिक तौरले पनि राम्रो हुनुहुन्छ बलियो हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु यो मञ्चबाट कि आउनुहोस् आउने जेनेरेसनको भलिबल प्लेयरहरू यस्तो यस्तो निकाल्नुहोस् कि त्यो समयमा हामीहरू दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भन्यो भने दार्जिलिङको टिमले कलकत्तासम्म नाम गर्थ्यौँ मिरिकबाट आउँथ्यो कालिम्पोङबाट आउँथ्यो जहाँबाट पनि आउँथ्यो एक एक दुई दुईजना मिलेर हामीहरू जान्थ्यौँ कोही बेला कलकत्तामा हाउडा जान्थ्यो बाँसबेरिया जान्थ्यो तपाईँको बेङ्गलको साउथ बेङ्गल नर्थ बेङ्गल सब जग्गा खेल्थ्यौँ इभन हामीहरू भाग्य बस्थ्यौँ कि नर्थ बेङ्गल रिप्रेजेन्ट भएर हामीहरू मणिपुर नागाल्यान्ड आसामतिर पनि खेल्यौँ र त्यसले गर्दा म चाहन्छु हाम्रो आउने जेनेरेसन नानीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू अरूतिर नलाग्नुहोस् तपाईँहरू राम्रो कार्यमा लाग्नुहोस् तपाईँहरू गेमप्रति उत्सुक भएर खेल्नुहोस् त्यो गेमले तपाईँहरूको फ्युचर बनिनु पनि सक्छ तपाईँहरू गेममा आयो भने तपाईँहरूको मानसिक तौरमा तपाईँहरू राम्रो हुनुहुन्छ बलियो हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने मौका पाउनुहुन्छ एक्सर्साइज गर्ने मौका पाउनुहुन्छ सबै किसिमको खेलले तपाईँहरूको मानसिक स्थितिलाई राम्रो बलियो बनाउन सक्छ र म यति भन्दै दार्जिलिङ पुलिसलाई म मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु आइदिने अनुरोध गर्दछौँ र दर्शकबिन अहिले आजको प्रमुख अतिथिसँग परिचय सार्दै दार्जिलिङ पुलिस जिल्ला पुलिस अधीक्षक लगायत अन्य अतिथिगण र यो शुभकामना व्यक्त दिँदै र विशेष गरेर दार्जिलिङ
पुलिस के तरफ बात है वेरी गुड बोले थाई नो फर्स्ट लास्ट है तेरे जो चलो बोल बोल दे नो बोल बोल चलो बोल बोल दे One love. Continuous service, point two love. Like
संघले यस हाम्रो फर्ममा सिग्नेचर गर्दिने हामी अनुरोध गर्दछौँ आजको दल नायकले। आज दार्जिलिङ पुलिस खेल उत्सव वॉलीबॉल लॉन्च किया है हमने और इसके ये लॉन्च के साथ एक एग्जीबिशन मैच किया था दार्जिलिंग वेटरन्स वर्सेस दार्जिलिंग पुलिस। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो ग्राउंड है जहां हम ये लॉन्च कर रहे हैं GDNS ग्राउंड, इस GDNS ग्राउंड में हम टूर्नामेंट करेंगे। जितने भी हमारे PS लेवल से टीम आएंगे उनके सारे मैचेस। तो GDNS ग्राउंड का सिग्निफिकेंस है दार्जिलिंग में, एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि GDNS ग्राउंड में ही वॉलीबॉल दार्जिलिंग में स्टार्ट हुआ था ऐसा बताया गया मुझे यहाँ के। आज हमारे प्रेस रिलीज में दार्जिलिंग के जितने वेटरन वॉलीबॉल प्लेयर्स थे जो पहले 80s में 70s में 90s में स्टेट नेशनल खेलते थे उन्हें हमने न्योता दिया था, आज वो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर। तो यही मैच था दार्जिलिंग वेटरन वर्सेज दार्जिलिंग पुलिस, एक आकर्षण करने के लिए इस दार्जिलिंग पुलिस खेल उत्सव वॉलीबॉल के प्रति। हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि जितने टीम्स मैक्सिमम वॉलीबॉल में रजिस्टर कर सकते हैं अपने थानों में जैसा कि फुटबॉल में किया था वैसा करें और इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। स्पोर्ट्स समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स से एक फिजिकल फिटनेस, टीम बॉन्डिंग, यही है मैच का मोटिव। बाकी लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसा सर ने लास्ट टाइम भी बताया था, मेंटल फिजिकल वेलनेस रहता है स्पोर्ट्स से। और ये टीम स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क ये जनरेट होता है। तो दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग दार्जिलिंग पुलिस खेल उत्सव फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। टेक्निकली ये टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है इसी मैच से, इसी प्रेस रिलीज से, और अभी कुछ टाइम नेक्स्ट 7 days, आज 23rd है, आज हमने नेताजी जयंती पर ये लॉन्च किया है और 23rd से 7 days हम इसको टाइम देंगे लोकल क्लब्स को अपने अपने पुलिस स्टेशन में जा कर के रजिस्टर करने को, और उसके बाद पुलिस स्टेशन लेवल टूर्नामेंट शुरू होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट्स। सर इसका रजिस्ट्रेशन फी कुछ है? इसका रजिस्ट्रेशन फी 100 rupees है पर क्लब, विच इज़ फाइनल कब होगा सर इसका? फाइनल होगा इसका 18th February को। सर विनर को क्या मिलेंगे सर? विनर को 50,000 rupees का अवार्ड मिलेगा और रनर्स अप को 25,000 मिलेगा। और ये इवेंट बोथ मेन एंड फीमेल वीमेन के लिए है, यानी कि गर्ल्स टीम्स एंड बॉयज टीम्स बोथ बोथ आर इक्वली इन्वाइटेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी इज फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। तो सर आज जो फर्स्ट मैच में पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब विजय हुआ सर, तो कैसा फील हो रहा है सर अभी आपको? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही फर्स्ट मैच नहीं था, ये तो एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच था। अच्छा है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है ही, मैं कॉलेज में वॉलीबॉल खेलता था तो थैंक्स टू माय कोच अमित दोहरे, अगर ये वीडियो मिलेगा मुझे मैं उनको भेजूंगा, तो बिकॉज ही इंट्रोड्यूस मी टू द वॉलीबॉल गेम और मैं भी कॉलेज में खेला था। मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड प्लेयर बट थोड़ा बहुत रिक्रिएशन के लिए। कितने मतलब टाइम के बाद आप यहाँ पर खेले सर? नहीं मैं तो कॉलेज के बाद कहाँ NPA में खेला था, नेशनल पुलिस अकेडमी में, हो गए 4 साल हो गए। 4 साल के बाद जी जी, तो कैसा फील हुआ सर आज? अच्छा लगता है वॉलीबॉल खेलना, तो मतलब आप मुझे रात को नींद से उठा के भी वॉलीबॉल खिलाएंगे तो मैं खेल लूँगा। तो सर दार्जिलिंग में जितने भी हमारे वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश देना चाहूँगा कि मुझे वेटरन टीम के प्लेयर्स बता रहे थे कि अब उतना गेम नहीं खेला जाता है, लेकिन ऐसा तो ठीक नहीं है क्योंकि ये ऐसा एक स्पोर्ट है, अट्रैक्टिव स्पोर्ट है, फास्ट स्पोर्ट है, टीम स्पोर्ट है और इसको खेलने के लिए कुछ खर्चा नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको कोई रैकेट नहीं, बहुत महंगा है, कुछ नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी यू नो पब्लिक स्पोर्ट, कहीं भी आप खेलिए, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वॉलीबॉल। और यही संदेश है कि इसको हम और जितना बढ़ा सकते हैं, जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना हम आगे बढ़ाएँ और आगे वॉलीबॉल को हम पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में इस थ्रू दिस इवेंट एक प्लेटफॉर्म दें हर वॉलीबॉल प्लेयर को, आगे बढ़ाएँ इसको। सर आपको इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना है? क्या पहले आप लोगों ने फुटबॉल किया उसमें भी आपका पार्टिसिपेंस था पुलिस की तरफ से, वॉलीबॉल में आप लोग पार्टिसिपेंस नहीं करेंगे बता रहे सर, इसका क्या रीज़न क्या है? नहीं नहीं, एक्चुअली एक ऐसा हुआ कि वॉलीबॉल में हमारा डेडिकेटेड कोई पुलिस टीम नहीं है, तो क्योंकि फुटबॉल में डेडिकेटेड पुलिस टीम्स थे हमारे जो कि टूर्नामेंट्स खेलते हैं। आप देखेंगे कि एक्चुअली यही है कि फुटबॉल के टूर्नामेंट्स लोकल लेवल पे बहुत सारे होते हैं,
आज भी आप देखेंगे तो बहुत विलेज लेवल पे भी फुटबॉल टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, मगर वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स उतने नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फुटबॉल का टीम हमारा सेट बना हुआ है, बोथ मेन एंड वीमेन टीम, बट वॉलीबॉल का ऐसा कुछ सेट टीम नहीं है। तो इसी वजह से ऐसा एसपी सर ने कहा है कि अलग से कोई स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ टू प्रमोट वॉलीबॉल अमंग पब्लिक। लेकिन ऐसा निर्णय नहीं है कुछ कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हमने तो आज खेला ही। थैंक यू सो मच सर, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, और हम चाहेंगे कि आप भी लोकल लोगों को जितना हो सके उतना वॉलीबॉल के तरफ आकर्षित करें इस मैसेज के थ्रू, और इस मैसेज को स्प्रेड करें पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ अब यो तिन यो ग्राउन्डमा चाहिँ मैले तिन चार वर्षपछि खेलिरहेको छु भलिबल है। अनि आज अचानक यसरी खेल्न पाउँदाखेरि कस्तो फिल भयो? मलाई खुसी लाग्छ, किनभने यो गेम अब दार्जिलिङ स्पोर्ट्स चाहिँ मरेर गयो जस्तो लाग्छ है। त्यसले गर्दा यो एउटा पुलिसले जुन चाहिँ पहल गरेको छ यसमा चाहिँ बहुतै खुसी छु। भलिबल चाहिँ एकदमै तुरेर गइसक्यो है दार्जिलिङमा भलिबल, त्यसले गर्दा अब है पुलिसले जुन चाहिँ गर्दैछ यो भलिबललाई रिभाइभ गर्ने ट्राई, त्यसमा चाहिँ बहुतै खुसी छु म। दार्जिलिङको प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ अब के भन्नु चाहन्छु, हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई अब प्लेयर्स त निस्किनु साह्रो छ, किन भन्दा टुर्नामेन्टै हुँदैन मेन कारण चाहिँ है। टुर्नामेन्ट पहिला हुन्थ्यो, नानीहरू जबसम्म टुर्नामेन्ट हुँदैन नानीहरूले देखेर सिक्दैन, अहिले नानीहरूलाई के अब है गेम्स त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन जस्तो अब हुँदै त हुँदैन दार्जिलिङमा। पहिला चाहिँ अब हाम्रो पालामा चाहिँ डरलाग्दो हुन्थ्यो है, किन भन्दा सिक्किम हामीरै सिक्किम म एकवटा 87 स्कुल नेसनल खेलेँ है, र हाम्रो टाइममा अलिक हामीले अब दुःख गरेर सिकेर खेल्यौँ र मलाई माया लाग्छ। र दार्जिलिङमा जुनै पनि या सेल्फ गभर्मेन्ट होस् या हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट होस्, उहाँहरूले चाहिँ दार्जिलिङमा अलिकति स्पोर्ट्समा ध्यान दिएपछि चाहिँ नानीहरू हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ बहुतै राम्रो भएर जान्छ। किन भन्दा प्लेन्समा हाम्रो हिल्सको नानीहरूलाई चाहिँ बहुत मनाउँछ, किन भन्दा बिल्ड राम्रो हुन्छ, हाम्रो स्ट्रेन्थ राम्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले खेल्नु सक्छौँ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। तर हामीले यहाँ टुर्नामेन्टै गरेन भने कहाँबाट जन्मिन्छ नानीहरू है? उनीहरूलाई जन्माउनु लागि चाहिँ हामीले सानैदेखि है सिकाउनुपर्छ र देखाउनुपर्छ, गेम खेलाइबस्नुपर्छ, तब खालि हुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। मैले स्कुल टाइम सेन्ट रोबर्ट्स स्कुलबाट 84 मैले 6 पढ्दादेखि भलिबल सुरु गरेको है, र मैले त्यहाँदेखि खेल्दै आएको। फर्स्ट गेम कहाँ खेल्नु? मैले फर्स्ट मलाई म जब फर्स्ट स्कुल खेल्दा चाहिँ सेन्ट अल्फन्सिस स्कुलमा खेलेको है, हजुर स्कुल टिममा सेन्ट रोबर्ट्स। मेरो सर हुनुहुन्थ्यो दीपक छेत्री है, हजुर दीपक सर, उहाँ सेन्ट रोबर्ट्सको रिटायर हुनुभयो है, अन्त अहिले उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, तर दुःख चाहिँ हामीले बहुत गऱ्यो भलिबल सिक्नु लागि। मेरो चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो मलाई, मेरो फ्यामिली डल्लै भलिबलपट्टि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्थ्यो है, र हाम्रो घरबाट पनि फ्रिली हो गेम्स खेल्दा चाहिँ बाहिर जानु दिन्थ्यो, फ्रिली हामीलाई छोडिदिन्थ्यो, र आज हामीलाई माया लाग्छ। किन भन्दा हामीले जुन चाहिँ भलिबल, मेरो त फ्यामिलीमै भलिबलै छ, हामीले 7 दाजुभाइ 7 भलिबल खेल्थ्यौँ है, र हाम्रो फ्यामिलीबाटै रिलेसन त्यो ब्लडमै थियो भलिबल भन्ने चाहिँ। त्यहाँदेखि तपाईँको विचारमा चाहिँ दार्जिलिङमा स्पोर्ट्सलाई अझै बढाउनै पर्छ? म हाम्रो हामीले यहाँ स्कुल लेभलको टुर्नामेन्ट जो पहिला डिएसएसए भन्ने हुन्थ्यो, डिस्ट्रिक्ट स्कुल स्पोर्ट्स एसोसिएसन भन्ने हुन्थ्यो डिडी है, त्यसले एउटा स्कुल लेभलको टुर्नामेन्ट गर्थ्यो, त्योबाट मैले स्कलरसिप पनि पाएको। म र एउटा मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ खसेर जानुभयो, उहाँ चाहिँ फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे विनय भन्ने हाम्रो माउन्ट हर्मनको, उहाँ फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो, माउन्ट सेन्ट रोबर्ट्स पढ्नुहुन्थ्यो है, उहाँ र मैले चाहिँ त्यो स्कुलबाट पहिला स्कलरसिप पाएको है 10,000 गरेर, म र विनय सेन्ट रोबर्ट्स उहाँ चाहिँ टर्नबुल पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ गोलकिपर पनि खेल्नुहुन्थ्यो, क्रिकेट पनि राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो, भलिबल पनि खेल्नुहुन्थ्यो उहाँ है, त्यसै हामीले गऱ्यौँ। र म र अनिल राई भन्ने हाम्रो पहिला इडेनमा बस्थ्यो, अहिले एसबिआईमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ र म चाहिँ सँगै स्कुल नेसनल 88 खेलेको उहाँ दुईजना चाहिँ हामीहरू है स्कुल नेसनल।